उसको उसी को करिए, और फिर बाद में जाकर के आप फिर जो सेकंड मंथ है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, और बड़ा अच्छा लग रहा है ये सुन करके कि आप सभी को फायदा हो रहा है। ओके, और कोई सवाल किसी का, या अपना कोई बैंजो वगैरह कुछ सुनवाना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ जी अमोल जी सर नमस्ते। सर न्यू जॉइनिंग हो? नमस्ते। सर जी, न्यू जॉइनिंग हूँ सर, अभी 8 दिन ही हो गए सर मुझे। अभी मैं फर्स्ट मंथ ही ज्वाइन किया हूँ अच्छा, कहाँ से हैं आप? सर। मैं महाराष्ट्र से हूँ सर, अकोला। ओके 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 ओके। अरे जी सर, और मैं बैंकर हूँ सर। वाह वाह जी। तो अभी कितने लेसन हो गए आपके? सर फर्स्ट ही मंथ ब्रो हुआ है सर मेरा। हाँ फर्स्ट ही मंथ ज्वाइन किया हूँ सर मैं अभी। मतलब, अच्छा, तो जी सर, तो मेरा अभी थोड़ा मुझे, हाँ तो भैया 8 ही दिन हुए मेरा था, थोड़ा प्रैक्टिस अभी सारागमा पर ही चल रहा है। जी जी और मैं जी अभी नोट्स भी साथ साथ में निकालता हूँ, आपने जो भी पलटे वगैरह जो लिख के दिए वो मैं हाँ अभी नोटबुक में डाउन करके ही उसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ सर। जी। चले बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर मुझे ये पूछना था कि ऐसा कौन से स्टेज पर हम माने कि अभी हमको स्विच करना चाहिए नेक्स्ट, मतलब पलटा या कोई भी ऐसा, नहीं, मतलब क्या ऐसा होता है कुछ कि। नहीं, स्टार्टिंग में देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने अभी वही बात बताई थी कि जी सर परफेक्शन जो है ना, परफेक्शन का तो कोई आप क्राइटेरिया बोल ही नहीं सकते हो, है ना? आप कब जाकर के जी बोल सर दोगे कि आप परफेक्ट हो गए, बताइए आप? आप कभी ये चीज बोल सकते हो कि मैं बोल परफेक्ट हो गया हूँ? तो नहीं सकते सर ऐसा कोई प्रैक्टिस हाँ, तो ऐसा नहीं ही है। यदि कर। आपको, हाँ थोड़ा बहुत ऐसा लग सकता है कि जैसे स्टार्टिंग अभी फर्स्ट मंथ है, तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट 140 या 150 तक थोड़ा सा हमारा बजना चाहिए, थोड़ा सा उंगली, थोड़ा सा आपको खुद को लग रहे कि नहीं अब थोड़ा सा फ्री हो रही है मेरी, फ्लेक्सिबल हो रही है उंगलियाँ, हमारी फैमिलियर हो रही है बैंजो के साथ। उसके बाद आप फिर जो नेक्स्ट मंथ है उसमें आप स्विच कर सकते हो। और वैसे भी जो फर्स्ट मंथ है वो मैंने 2 मंथ का वैलिडिटी दे रखा है ना उसमें। जी सर, जी सर 2 मंथ्स का हाँ, वैलिडिटी है तो ऐसा है कि जी। कुछ लोग उसको 1 मंथ में ही कवर कर लेते हैं, कुछ लोगों को 2 मंथ भी लग सकता है। तो मेरे ख्याल से जो फर्स्ट मंथ का जो मैंने कोर्स लिया है उसमें मेरे ख्याल से 1 महीना और 2 महीना ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। यदि अच्छा अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से 1 मंथ भी बहुत है उसके लिए। यदि आप कम ओके से सर, कम 2 से 3 घंटा यदि रोज रियाज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग का जो 1 मंथ का कोर्स मैंने दे रखा है वो आप 1 मंथ में ही उसको जी सर कंप्लीट कर सकते हो, है अच्छा ना? तो वो डिपेंड करता है रियाज के ऊपर आप कितना अभ्यास कर रहे हैं। हाँ, मतलब उसका हम लोग ऐसा जजमेंट नहीं दे सकते, मतलब अपने सेटिस्फेक्शन और हाँ परफेक्शन बिल्कुल बिल्कुल, आपको खुद को जज करना है कि आप थोड़ा सा कंफर्टेबली जो आपकी फिंगर्स है वो चल रही है या नहीं चल रही है। बाकी बात रही स्पीड की, तो स्पीड तो हमेशा ही थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी धीरे धीरे, ठीक है? तो स्पीड को तो लाने जी में सर थोड़ा सा समय लगेगा ही, तो उसको उसके चक्कर में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा जो कोर्स है उसको हम देखे ही नहीं। हाँ नहीं, एक्चुअली होता है सर कि सब सामने दिखता है तो हम लोग जल्दी जल्दी स्विच कर लेते हैं वो, ये मतलब हम लोग जल्दी जल्दी स्विच कर सक, मतलब हाँ ऐसा लगता है कि अब ये हो गया हमारा, लेकिन फिर से हाँ अगर प्रैक्टिस करने जाओ तो वही परफेक्ट नहीं होता है। हाँ नहीं, ऐसा ऐसे तो आप 6 मंथ में चले जाओगे तो भी आपको ऐसा ही लगेगा, ठीक है? जी तो ऐसा नहीं है, वो सर मैंने वही बात बोली कि वो सारी चीजें जो है वो पैरेलल ही चलेगी, आपकी स्पीड है, हाँ आपके फिंगर्स है, क्योंकि अभी तो कई सारे ऐसे रास्ते आएंगे जहां पर आपको ऐसा महसूस होगा कि अरे अभी तो ये कंप्लीट नहीं है, अभी तो ये कंप्लीट नहीं है। तो सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे ही कंप्लीट होगी, परफेक्शन धीरे धीरे ही हाँ आएगा सभी चीज़ों में, ठीक है? जी सर तो अभी आप जी सर कितनी स्पीड में बजा पा रहे हैं? आपने जजमेंट अपना खुद का एनालिसिस आपने किया होगा?
हंड्रेड तक मैं सर। अच्छा 100 तक कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उसको 120 तक ले आइए प्रैक्टिस करके, ठीक है। किया फिर थोड़ा 90 से किया तो लेकिन जम्बलिंग हो जाता है फिंगर्स के बीच। हाँ, वो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम्स है, दीज आर टीथिंग ट्रबल्स, शुरुआती दिक्कतें हैं सारी, हाँ ठीक है, हो हाँ जाएगा, कोई ऐसा कोई जी प्रॉब्लम सर। नहीं होगा। ओके सर। कंटिन्यूस, बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जी सर जी सर बूंद बूंद से ही कंटिन्यूस। घड़ा भरता है ना, और बारिश जी की सर जो एक बूंद है वो उससे कुछ नहीं होता, लेकिन मान लो यदि बारिश हो रही है और बारिश की मात्र एक बूंद नीचे आ रही है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही बारिश की बूंदें जो है हाँ वो लगातार जब बरसती है ना तो नदी का रूप ले लेती है हाँ सर। हाँ सर नहीं ना, प्रैक्टिस तो बहुत तो प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट ही है आप सर। का जो कर रहे हैं वो कंटिन्यूस आपको करना है, भले ही थोड़ा थोड़ा कर रहे हो लेकिन वो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए आपके अभ्यास में। और मेरे ख्याल से कोई चाहे कितना ही बिजी हो, कितना ही प्रोफेशन में हो, यदि सीख ही रहे हैं तो एटलीस्ट 1 ओवर तो हमको निकालना ही चाहिए ना, नहीं तो मतलब क्या, जी फिर सर सीखेंगे कैसे? स्किल को, स्किल में यदि थोड़ा हमको डेवलप करनी है तो उसके लिए समय तो देना पड़ेगा, हाँ सर ठीक है ना।